9 नवंबर केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,409 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,27,318 हो गई है। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी दी है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 384 लोगों की मौत के साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34,362 पर पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि सोमवार से अब तक संक्रमण के 6,319 लोग मुक्त हुए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 49,21,312 पर पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि प्रदेश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 71,020 है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।